पुलिस में रियल सिंघम के रूप में पहचान रखने वाले मनु महाराज अचानक से पहुंच गए सिवान। सिवान जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन का मंगलवार को सारण DIG मनु महाराज ने निरीक्षण किया। उसके बाद परेड का भी जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने दंगा नियंत्रण वाहनों, शस्त्रागार, लाइन DSP कार्यालय का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन में DIG ने एक स्पेशल दस्ते का भी गठन किया है। उन्होंने हर परिस्थिति से निपटने के लिए दस्ते को कई गुण बताए। इस दौरान DIG ने दस्ता दल को हथियार से लेकर आंसू गैस कैसे फायर किया जाता है, इन तमाम चीजों की जानकारी दी। वहीं पानी से भरे वाहन की जांच मैदान में की। निरीक्षण के बाद DIG ने लाइन DSP कार्यालय में पुलिस के अधिकारियों के साथ शराब से जुड़ी लंबित मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की। DIG ने बताया कि पुलिसिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के सभी अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि सभी अपने कार्य को पूरी तत्परता के साथ करें। बताया कि जिले में करीब 70 से 80 की संख्या में शराब के बड़े मामले हैं, जो 2016 के बाद से अभी तक पेंडिंग है। शराब के साथ गाड़ी पकड़ी गई है, लेकिन उसके मालिक का पता नहीं चल सका है। कुछ में जानकारी तो मिली है, लेकिन उन गाड़ियों पर कोई एक्ट नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मनु महाराज पटना के CTSP रहने से लेकर के फिलहाल सारण के DIG हैं। इस पूरे सफर में मनु महाराज का हर एक्शन रियल सिंघम की तरह नजर आता रहा है। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।